उनके उसमें, इसके बावजूद ही अभी तक आपकी तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया यहाँ नहीं व्यक्त की गई आपके परिवार की तरफ से? आज आठवां दिन है। नहीं, प्रतिक्रिया मैं इसीलिए आया हूँ और हमारे परिवार जैसे हैं, क्योंकि हम सब लोग आज देख ही रहे हैं कि कोई ना कोई कहीं भाग रहा है, कोई कहीं भाग रहा है। आज भी हमारे कई कार्यक्रम थे, लेकिन फिर भी हम सब यहाँ पे आज आए हैं। हमारे परिवार जैसे हैं, किसी से बात छुपी हुई नहीं है, कि ये परिवार हमारे साथ बिल्कुल पूरी तरह से सभी लोग एक परिवार की तरह जुड़े हुए हैं। और मैं भी आज, मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब भी हो गया, लेकिन मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा देर हो गई, लेकिन हमारे परिवार जैसे हैं, हम सब लोग पूरा हमारा सहयोग है साथ में, और सरकार इस पूरे प्रकरण को पूरी गंभीरता से ले रही है और छोटी से छोटी चीज़ों को देखते हुए बहुत जल्द हमारे संदीप गुप्ता जी, जो हम सब के बीच में नहीं हैं, उनके जो भी अपराधी हैं उनको न्याय देने का काम किया जाएगा, उनको न्याय देने का काम किया जाएगा, और जितने भी दोषी हैं उनको बहुत जल्द उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने का कार्य किया जाएगा। सरकार के निगरानी में छोटी से छोटी चीज़ें हैं। अभी तक जिस तरीके से अलीगढ़ पुलिस के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उन्होंने 70% तक खुलासा कर दिया है, 30% खुलासा अभी भी नहीं हुआ है, इसमें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा नहीं है, कार्रवाई पूरी चल रही है और बहुत जल्द इस केस का खुलासा कर दिया जाएगा। सारी चीज़ों को ओपन नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुलिस अपना पूरा कार्य कर रही है, सारी चीज़ों को देखा जा रहा है, बारीकी बरती जा रही है। मैं स्वयं इस चीज़ को देख रहा हूँ और बहुत जल्द हमको न्याय मिलेगा। क्या आपको लगता है जो ये 30% का जो नेक्सस है, इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़े लोग इन्वॉल्व हैं? क्या लगता है कि इस तरीके से खुलासा हो पाएगा? कोई भी हो, अगर दोषी है तो उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी योगी जी की सरकार है, इसमें चाहे कोई भी बड़ा हो, कोई भी बड़े से बड़ा अपराधी हो, अगर अपराधी है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस चल रही है उत्तर प्रदेश सरकार में, कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि व्यापारियों को लगातार हमले होते हैं और लगातार बाजार में जिस तरीके से गोली मार दी जाती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, इस तरह की घटना बहुत दुखद है, किसी के संग इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए और बहुत ही संवेदनशील ये मामला है। हमारी सरकार पूरी तरह से इस पर सजगता बरती हुई है और छोटी से छोटी चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है। इस तरह की घटना बहुत ही दुखद जनक है, मैं खेद जाहिर करता हूँ, लेकिन हमारा प्रयास है कि हम जल्द से जल्द न्याय दें और हम उस पर कार्य कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई हाई प्रोफाइल जाँच क्यों नहीं गठित की गई? इस पे मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत बारीकी से पूरी सरकार की इस पर नज़र है और मैं स्वयं इसको देख रहा हूँ। सारी छोटी से छोटी चीज़ों पर नज़र बढ़ती जा रही है। मेरी स्वयं बात हो चुकी है कई बार अलीगढ़ में भी प्रशासन से, और इस पे बहुत जल्द हम सब न्याय करेंगे। सर, योगी जी की सरकार गुंडों और माफियों के लिए बुलडोजर से जानी जाती है, क्या सर इस समय ये बुलडोजर या बुलडोजर वाली का बात कहाँ जाती है? देखिए, बुलडोजर आप कह रहे हैं कि बुलडोजर आज भी चल रहा है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है कि पूरे 5 वर्ष के अगर इस तरह की कोई घटना होती है, बहुत ही दुखद है और उस पर हमारी कार्रवाई की जा रही है और इन दोषियों को बहुत जल्द पकड़ के सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई बच करके नहीं जाएगा, इसमें बहुत जल्द न्याय दिया जाएगा। क्या उसके पिताजी को जेल में भेज देना इतनी है इसका ठीक है? केवल इतना नहीं है, मैंने आपको बता दिया कि पूरी तरह से निगरानी रखी जा रही है, जो भी दोषी हैं उनको पकड़ा जाएगा। आपके पिताजी एटा सांसद, उन पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है कि आठ दिन हो गए अभी तक उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया जारी नहीं हुई। मैं स्वयं आया हूं यहां पे, इसीलिए हम सब इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता से ले रहे हैं। मेरा पूरा परिवार संदीप जैन जी के परिवार के साथ जुड़ा हुआ है, हम सब इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं। और संदीप गुप्ता जी के परिवार से हम पूरी तरह से जुड़े हुए हैं और इसको सजगता से लेते हुए मैं छोटी से छोटी चीज़ों को स्वयं देख रहा हूँ। मैंने आपसे कह दिया तो हम न्याय देने के लिए इस परिवार के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं। परिवार में अगर कोई मौत हो जाती है तो परिवार के लोग सब साथ में होते हैं, आज आप आठवें दिन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं साथ में हूँ यहाँ पे, हमारी उनसे फ़ोन पे भी वार्ता हो गई, सारी चीज़ें हैं, हमारा परिवार उनके साथ में है, इस तरह की कोई बात नहीं। अभी तक परिवार को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है? असुरक्षित महसूस कर रहे हैं अपने आप में, जो भी क्योंकि कातिल खुले जो भी चीज़ें करवाने के लिए होंगी वो सारी चीज़ें कराई। ना तो अभी तक इनके लाइसेंस बने हैं और ना ही सुरक्षा का कोई विशेष प्रबंध किया गया है।